ये देखो गाइस क्रिसमस ट्री वगैरह अपना अच्छे से सजा रखा है, बढ़िया हैप्पी क्रिसमस के लिए लगा रखा है। फ्रेंचाइज चल चलिए यहाँ पे सेवा पात्र है आगे। सेकंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है क्रिसमस, पहले आप सभी को मेरी क्रिसमस भाई मेरी तरफ से। और अभी हम सभी जा रहे हैं क्रिसमस देखने के लिए अपना, यहाँ पे परेड ग्राउंड साइड एक चर्च है वहाँ पे जा रहे हैं। उससे पहले नुसाद भाई से मिल लो, हमारे यहाँ के सबसे इंजीनियर से भी फेल, इंजीनियर को भी फेल करता है आदमी। नुसाद चाचा हेलो कर दो ऊपर को, हेलो हेलो। ये छोड़ो इन्हें छोड़ो, ये कुछ ही भगदे में आदमी मस्त है। लेकिन भाई सच बता रहा हूँ, ये बंदा ना इंजीनियर है, पूरा हमारी शॉप की इंजीनियर है भाई। कम से कम 25 साल हो गए भाई को एक्सपीरियंस है, बहुत तगड़ा। क्यों है ना, ओ अनार कली मुस्करा गए। तो भाई सभी आ रहे हैं, ऋषु भाई आ रहे हैं दोनों। हम जाएंगे वहीं पे चर्च पे, आप सभी को दिखाएंगे यहाँ का क्रिसमस कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे लोग, मतलब चर्च में हम जा रहे हैं वहाँ पे कैंडल वगैरह लगा रहे हैं, जो सभी अपना सीन रहता है पूरा वहीं पे चल के दिखाएंगे। अब यहाँ से हम आगे चल रहे हैं, दुकान से निकलते हैं, ऋषु भाई आने वाले हैं, जैसे वो आते हैं तुम्हारा भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। फाइनली तुम्हारा भाई चल रहा है पैदल, क्योंकि ऋषु भाई वो खड़े हुए आगे दिख चुके हैं मुझे, पीछे यहाँ पे जाम लगा था यार, रास्तों की हालत ना बहुत भयंकर है भाई। चलो यार जल्दी तुम्हारा भाई जल्दी से भाग के निकल जाएगा, इधर से चलता हूँ। चलो भाई पैदल वालों के लिए तो रास्ता मिल ही जाए, लेकिन यहाँ जाम ही जाम है फिर से, वही दिक्कत है यार। देखो इतना ट्रैफिक है, हम मेरा दोस्त यहाँ पे आ रखा है, अरे भयंकर पैदल बना रहे कहाँ से हंस रहा दूर से। भाई फाइनली पहुँच तो गया वैसे, मैं बोलता हूँ जल्दी से गाड़ी घुमा ले। चल भाई अबे इतनी देर लगा दी मुझे, इस बंदे ने आंकड़ा कर रखा है इतनी देर से, बता भी नहीं रहे। ओ तेरी ये कहाँ से ले लिए थे इतने तगड़े वाले भाई। गाइस क्या अभी दिखाओगे एक सेकंड, अबे यहाँ भी खोद दिया इन्होंने। अबे मैं वही तो कह रहा हूँ। अबे भाई शिट भाई, हर जगह खोदा खोद दिया, हम कहाँ क्रिसमस मनाने जा रहे थे और इतना लेट हो गया। कम से कम इस बंदे ने 20 मिनट से खड़ा करा हुआ तुम्हारे भाई को वहाँ पे, शर्म भी नहीं आई। पहले हेलो कर दो कैमरे पे। हेलो गाइस चेक माय ट्रिप। अरे बस बस ठीक है। तो गाइस हम जा रहे हैं कहाँ पे अभी ऋषु भाई, चर्च पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं क्रिसमस क्या सेलिब्रेट हो रहा है। तुम्हारा भाई पहली बार जा रहा है, ये तो पहले जा रखे हैं। मैं वैसे गया था लेकिन इतने उससे मैं कभी ऐसे गया नहीं, मतलब पूरा प्रॉपर उसका देखने के लिए पूरे तरीके से गया, नॉर्मली आ गया। आज पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे वहाँ पे, चल के दिखाएंगे आप सभी को कैसे से अपना सीन होता है। तो चल दिए हैं जल्दी से, लेकिन इन्होंने लेट बहुत कर दिया यार, अगर तुम लेट ना करते अभी तक हम आराम से पहुँच जाते गाइस, पूरा हमें 1 घंटा लेट है पूरा। खैर छोड़ो अब चलते हैं जल्दी से। इससे पहले हमने सोचा कि ना तेल बना लिया जाए, आगे पेट्रोल हमने संजू भाई वाले पे, चलो 80 का ला लो 8 रुपीज़। तो भाई चलो गाइस तेल भरा लेते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं। गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने, मतलब चर्च के पास ही आ चुके हैं। जस्ट एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, हैंडल पकड़ो ऋषु भाई, हैंडल पकड़ोगे तो सही है ऐसे, चलो छोड़ दो। तो गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं, ये देखो आप सभी को दिख गया होगा। अबे यहाँ तो मेला सा लग रहा है ऋषु भाई, गाड़ी पीछे लगानी पड़ेगी। गाइस ये अपना आगे चल के दिखाऊंगा, देखो आप सभी को आगे ना दिख रहे होंगे गुब्बारे गुब्बारे, तो यहीं है गाड़ी, यहीं लगाते हैं कहीं अगल बगल देख के, और अंदर चल के दिखाता हूँ आप सभी को। एक सेकंड है गाड़ी पार्क कर लें जरा यार, जगह ढूंढनी पड़ेगी। पहली गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है अपनी गाड़ी, और हम वहीं जा रहे हैं, निकलते हैं यहाँ की तरफ। चल रहे बस एक सेकंड 20 की 2 10 रुपये। ब्रदर अंदर चल के हम पहले देख ले हो क्या आ जाते हैं ब्रदर। अरे ब्रदर व्लॉग बना रहा हूँ यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ब्रदर, 2 सेकंड तो रुक जाओ ब्रदर। ब्लॉगिंग का फायदा है कुछ, ये फायदा है ब्लॉगिंग का, ब्लॉग का नाम ले लिया भाई हट गया। कैंडल अंदर से मिल जाओ गाइस, यहाँ पे तो ये लग रखा है, यहीं से चलते चलो, यहीं है ना अबे, यहीं से तो होगी एंट्री। चलो 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 चलो। तो गाइस फाइनली हम एंटर हो रहे हैं चर्च अपना, ये देख लो यहाँ पे बाहर पे अपना, यहाँ पे है अपना अंदर से ओ पंछी। चलो भाई एंट्री ले लेते हैं पहले, आओ कहाँ है बाहर, क्या करोगे पहले एक सेकेंड। गाइस फाइनली हम हो चुके हैं अंदर एंटर चर्च, सामने वाले गेट से उधर से हम आए इधर पे, ये हैप्पी क्रिसमस के लिए लगा रखा है फ्रेंचाइज चर्च देहरादून। यहाँ पे इनकी मूर्ति है, एक मूर्ति इधर है, एक पीछे है, यहाँ पे कैंडल वगैरह आप सभी लगा सकते हैं, कैंडल का यहाँ पे लगा रखा है लोगों ने पूरा, और इधर से बंद है ये यार ऋषु भाई। गाइस जो मैंने सोचा था वैसा है नहीं कुछ, मैंने सोचा था मैं क्रिसमस ट्री सजाऊंगा, मैं आप सबको दिखाता, लेकिन क्रिसमस ट्री का है ही नहीं, क्रिसमस ट्री है ही नहीं। अबे क्रिसमस ट्री नहीं है ऋषु भाई, क्रिसमस ट्री कहाँ है, कैंडल तो जला देंगे लेकिन क्रिसमस ट्री कहाँ है, क्रिसमस ट्री नहीं दिख रहा गाइस, क्रिसमस ट्री नहीं दिख रहा है हमें तो, पूछो जरा किसी से अंदर क्या है। अच्छा अंदर तो अपना पूरा वो है गाइस, अंदर है देखो, मैं भी अंदर चल के दिखाएगा, अंदर चल के दिखाएं। चलो अंदर गाइस पहले ना कैंडल देख लेते हैं, कैंडल लगा लेते हैं। गाइस फाइनली यहाँ से एंट्री है, मेन गेट है अपने चर्च का, यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं, ये देखो
आओ अंदर चल के देखते हैं। चलो नहीं नहीं अलाउड है, शायद पूछ लेते हैं एक बार चल के देख लेते हैं। ये देखो भाई क्रिसमस ट्री वगैरह अपना अच्छे से सजा रखा बढ़िया करके भाई। ये देखो चल लेते हैं गाइस। ये देखो गाइस बहुत अच्छे से सजा रखा है पूरा बढ़िया करके। ये देखिए अभी तो कमी है, रात के टाइम तो आपको यहाँ पे एकदम बढ़िया सजाव दिखेगा एकदम परफेक्ट। अभी तो तभी भी ये देखिए वो रखी हुई आगे मूर्ति उनकी। ये देखिए गाइस तो अंदर से अपना ऐसा सीन है, अब यहाँ से हम बाहर हो जाएंगे फिर दिखाते हैं आप सभी को आगे चल के। ये देखो मतलब देहरादून का जो चर्च है आज क्रिसमस था भाई, तो हम मैंने सोचा कि ना आप सभी को दिखा दिया जाए आके, तो बताना कमेंट्स में कैसा लगा आप सभी को। नली यहाँ पे सेवा पात्र है आगे और इस फिर शिवाय ने डाल दिया है एक सिक्का। अब यहाँ पे ये है पूरा, ये देख लो आप सभी, ये देख लीजिए इनका पूरा है ये। अब यहाँ से हम आगे चले गए बाहर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे गाइस ये पीछे हमें प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे भी बना रखा है इन्होंने, ये देख लो आप सभी। अभी मैंने बाहर का आपको दिखाया, ये अंदर का पूरा है इंटीरियर जो अपने चर्च के अंदर का है पूरा, ये देख लीजिए। हम बाहर आ गए हैं वहाँ से अंदर से, अभी आप सभी को मैंने पूरा अंदर का एक्सप्लोर करा दिया, बताना आप सभी को कैसा लगा। हमारे यहाँ ऐसे मतलब यहाँ पे जो रहते हैं अपना ऐसे मनाया जाता है। अभी फाइनली हमने पूरा आप सभी को दिखाया है यहाँ पे आके ऐसे सीन रहता है जो प्रे कराते हैं, हाँ मतलब जो वहाँ पे खड़े भी हुए थे, और बाकी हमने वहाँ पे अपना पूरा सीन वीन पूरा प्रॉपर कर लिया है। बाकी अभी हम देखते हैं अपना कुछ और अगर सीन है यहाँ पे, नहीं तो अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ फिर दिखाएगा तुम्हारा भाई तुम्हें। बाकी मैं पहली बार आया मेरे को तो बढ़िया लगा अंदर का एक्सपीरियंस, एक मतलब वाई वाई अच्छी सी एकदम है ना भाई, बढ़िया सी वाई वाई एकदम। बाकी चलते हैं उधर चल के एक बारी। इस एक अपने उधर पे थी उनकी मूर्ति और एक इधर पे है इधर वाली, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। जीसस ब्लेस मी ये वाली मूर्ति भी है यहाँ पे, इसके नीचे लिखा हुआ है देख लो, ये ज़्यादा मतलब बड़ी वाली है ये रही। देखिए उस साइड से हम घूम के आए हैं पूरा, मतलब उधर थे हम पहले, उधर से इधर घूमते हुए आए हैं, गेट था उधर वाली मूर्ति है वाली मैंने आपको दिखाई और इधर ये वाली। यहाँ पे कैंडल वगैरह आप सभी लगा सकते हैं, विश मांग सकते हैं, और यहाँ पे ये रही मूर्ति, और यहाँ पे एक और है अंदर जाने के लिए ये रहा। यहाँ पे ट्राई करते हैं अगर जा पाए, क्योंकि अब यहाँ पे भीड़ गाइस पहले से ना काफ़ी कम हुई क्योंकि अभी तीन चर्च खुल चुके हैं, नहीं तो पहले ऋषि भाई कितनी भीड़ रहती थी पहले के टाइम पे जब हम पहले आए थे, हमें अंदर जाने की एंट्री नहीं होती थी गाइस ये लगा लो। अभी तो मैंने आप सभी को अंदर का दिखाया मतलब पूरा खुला था, और अभी पहले तीनों गेट खुल जाते थे, ये वाला भी वो वाला भी बीच वाला तो खुला ही रहता है, अभी खाली एक गेट खुला होता है आप सभी ये देख लो। बाकी अभी अपना यहीं पर पूरा ऐसा सीन है, आगे का जैसे भी अपना सीन होता है तुम्हारा भाई तो मैं जल्दी से दिखाएगा। बाकी अभी तक बताओ वीडियो कैसी लग रही है आप सभी को, मस्त हो गया यार। बाकी तो पहले वहाँ से हम बाहर आ चुके हैं, मैंने आप सभी को पूरा अंदर का पूरा एक्सप्लोर करा दिया। उस वाला जो मैं पहले आप सभी को कोने वाला दिखा रहा था वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है हम लोगों का, नॉर्मल लोग नहीं जा सकते वहाँ पे। बाकी अभी हम पूरा अंदर से आ गए एक्सप्लोर करा के, अभी हम कुछ देख रहे हैं बाहर पे जैसे दिखाया यार, ज़्यादा टाइम मैंने लगाया नहीं क्योंकि अब की बार ना यहाँ पे हमारे यहाँ कई चर्च आ चुके तो इस वाले पे इतनी भीड़ थी नहीं, हालांकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा अंदर जैसे मैंने आप सभी को बताया। बाकी आप सभी बता देना कमेंट में आप सभी को कैसा लगा। ये ब्लॉग मैं इसी के साथ यहीं पर एंड कर रहा हूँ, उम्मीद आप सभी को मेरा ब्लॉग बढ़िया लगा होगा, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और रिंग बेल को प्रेस ताकि ऐसे और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग।